हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। दिस इज मी शहजाद एंड टुडे आई एम जस्ट द टॉपिक दैट इज एडवर्ब एंड देयर आर थ्री डिफरेंट वर्ब्स एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सेंटेंस एंड वर्ब दैट इज वेरी एंड मच एंड वेरी मच। ओके, अब आई स्टार्ट वेयर दिस दिस वर्ड विल बी यूज्ड। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लुक दिस सेंटेंस, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे, है ना। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, और दूसरा क्या है, इट वॉज मच इंटरेस्टिंग, एंड थर्ड है आई वॉज वेरी मच सरप्राइज, मच इंटरेस्टिंग, एंड फाइनली आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो मैं आप लोगों को यहां बताऊंगा कि वेरी कहां यूज करना है, मच कहां यूज करना है और वेरी मच कहां यूज करना है। यह डिपेंड करता है कि सेंटेंस का वर्ब कैसा है। इस टॉपिक में आज ये डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर पता करें तो ये क्या है, सरप्राइजिंग है, दैट मींस वी फोर है। ओके, और यहां पता करें तो ये क्या है, वी थ्री है, और यहां पे क्या है, ये भी क्या है, वी थ्री है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पहला सेंटेंस सबसे पहले ये सही है या फिर गलत है उसको जानते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, और तीसरा सेंटेंस भी सही है। और यहां पे देखिए, इट वॉज मच इंटरेस्टिंग, और क्या पांचवा क्या है, आई वॉज वेरी सरप्राइज। यहां पे देख रहे क्या, वी फोर है, और यहां क्या है, वी थ्री है। लेकिन उससे पहले क्या है, मच लगा हुआ, यहां इसे क्या है, वेरी लगा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है। अब चलते हैं इसके रूल्स के तरफ कि किसके साथ क्या रूल्स है। जब भी आपको वेरी प्लस वी फोर मिले, वेरी प्लस वी फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, वेरी यूज करना है। वेरी के जस्ट बाद क्या होगा, वी फोर होगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि वी थ्री है, तो यहां पे उससे पहले क्या है, मच है। आप कभी भी वेरी के बाद वी थ्री ना लगाए, मतलब पास्ट पार्टिसिपल ना लगाए। तो यहां बोल सकते हैं मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मच के साथ क्या आने वाला है, वी थ्री आने वाला है, और वेरी के साथ क्या आने वाला है, वी फोर, दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहां पे देखते हैं, आई वॉज वेरी मच सरप्राइज, उसके बाद आगे यहां पे देखते हैं, यहां पे वेरी मच लगा हुआ है, तो वेरी मच के साथ भी आपको वी थ्री का यूज करना है। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो मच हो या फिर वेरी मच हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, वी थ्री लगेगा। यहां पे वेरी मच प्लस इसको बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। Got it? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वेरी के साथ क्या लगाना है, वी फोर लगाना है, जिसकी वजह से यहां पे देखिए, इट वॉज मच इंटरेस्टिंग। यहां पे कि ये बहुत दिलचस्प था, तो इनफेक्ट यहां देख रहे मच के बाद क्या है, ये वी फोर, जो कि क्या है, ये मच के बाद हमेशा क्या आएगा, हमेशा वी थ्री आएगा, इसलिए सेंटेंस क्या है। अब देखिए, आई वॉज वेरी सरप्राइज, वेरी के बाद मैंने यहां क्या लगाया, वी थ्री लगाया, जबकि वेरी के बाद क्या है, वी फोर है, जिसकी वजह से ये आपको ऐसा यूज नहीं करना है। अब चलते हैं इसके और एक नोट में, जो आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं, खास करके वेरी का, और इनफेक्ट मच का और वेरी मच का। किसका यूज मैं आपको नोट में बताने वाला हूं, चाहे तो वो क्या होगा, मच या फिर वेरी मच। ये दो सेंटेंस आप सेंटेंस के आखिर में रख सकते हैं। हैव अ लुक, जैसे आप यहां यूज कर सकते हैं, आई लाइक हिम वेरी मच, वेरी मच। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई लाइक हिम मच। अब इसमें मच भी यूज कर सकते हैं और वेरी मच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो मच का जो यूज है ना, इसका आप नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट लाइक हिम
मच। इस सेंटेंस में वेरी मच का जो यूज है सिर्फ और सिर्फ किसमें है, अफर्मेटिव में यूज करना है। किसमें यूज करना है? अफर्मेटिव, ठीक है। लेकिन मच का यूज आप देख रहे हैं यहां पे दोनों सेंटेंस में हुआ, अफर्मेटिव में भी हुआ है और नेगेटिव में। ये सेंटेंस आपका क्या है? अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप बोल सकते हैं आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, या फिर बोल सकते हैं आई लाइक हिम मच। और एक सेंटेंस क्या है? आई डोंट लाइक हिम मच। मतलब मच का यूज आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं और अफर्मेटिव में कर सकते हैं, लेकिन वेरी मच का यूज सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अफर्मेटिव में यूज करना है। ओके, ये सेंटेंस आपका क्या था? जब वर्ब लेके आए से आपको जब आखिर में यूज होगा, इन सारे का सारा जो आपका एडवर्ब है ये क्या हुआ? बीच में यूज हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में देख रहे हैं ये आखिर में यूज हुआ है। ओके, इसका एक और यूज बताऊंगा मैं, क्या कहते हैं वो देखते हैं। उसमें आप जैसे डिग्री का नाम सुने होंगे, इसमें जो तीन डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, में वहां भी मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको कहां वेरी यूज करना है, कहां मच यूज करना है और कहां पे वेरी मच यूज करना है। हैव अनदर लुक। अगर यहां पे मैं सेंटेंस ले लूं, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है, सीता एक बहुत अच्छी लड़की है। अब यहां पे ये देख रहे हैं, यहां पे मैंने क्या लगाया है? वेरी लगाया है और साथ में क्या है? गुड है। ओके, और ये सेंटेंस में आपको बता दूं कौन सा डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री, गॉट इट। अब यहां पे अगर दूसरा सेंटेंस मैं यूज करूं, सीता इज मच बेटर देन ही, सीता उससे क्या बहुत बेहतर है, तो डेट मीन्स ये डिग्री आपका किसमें आ जाता है? ये आ जाता है कंपेरेटिव डिग्री में, जो मैंने यूज किया यहां पे गुड का बेटर। ओके, तो यहां पे देख रहे हैं कि मच के साथ क्या लगा है? बेटर लगा है। अब तीसरा यूज पे देखते हैं, यहां पे सीता इज वेरी मच बेटर देन ही, ये भी क्या है? कंपेरेटिव डिग्री। ओके, तो आप कंपेरेटिव डिग्री में क्या लगा सकते हैं? मच भी लगा सकते हैं और वेरी मच लगा सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ आपको क्या लगाना है? वेरी लगाना है। जैसे बोलते हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, दैट मींस क्या? पॉजिटिव डिग्री है। ओके, कंपेरेटिव में आप मच भी लगा सकते हैं और वेरी मच भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं सुपरलेटिव में, अगर मैं एक सेंटेंस लूं, राम इज द वेरी बेस्ट बॉय, राम क्या है? सबसे अच्छा लड़का है ना, ये किसमें आता है? सुपरलेटिव डिग्री में आता है, गॉट इट। अब यहां पे अगर मैं सेंटेंस दूसरा इसका बनाने की कोशिश करूं, राम इज मच बेस्ट बॉय, ये भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अभी दोनों सेंटेंस आप फिर बता सकते हैं कि क्या हुआ इसके साथ, राम इज द वेरी बेस्ट बॉय एंड राम इज मच द बेस्ट बॉय, दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। अगर आप इसको बारीकी पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे जो सेंटेंस को देखिए आप, द के बाद क्या वेरी है, लेकिन यहां पे देखिए कि मच के बाद क्या है? द है, क्योंकि सुपरलेटिव द फिक्स है, जैसे ही द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय, ओके, वो उसका ओरिजिनल सेंटेंस है सुपरलेटिव का, लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं कि वेरी से पहले द लगा है और यहां पे मच के बाद द लगा है, यही इस सेंटेंस में क्या है? डिफरेंट है। तो आपको इस सेंटेंस में याद क्या रखना है? द प्लस वेरी यूज करना है आपको, जब भी वेरी यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको द पहले लगाना है। और इस सेंटेंस में क्या है, अगर मच आप यूज करते हैं तो मच के बाद क्या करना है? आपको द करना है। बस इस सेंटेंस में यही क्या था, एक बारीकी चीज थी जो बताना था मुझे। अब यहां पे आपने दो चीजें देखी, तो एक तो डिग्री में इसका वेरी या मच या वेरी मच का यूज कैसे होता है, और एक आपने वरा वर्ड के थ्रू पढ़ा, जहां पे मैंने आपको बताया यहां पे कि जब भी आपको क्या मिले, वी फॉर मिले, तो आंख मूंद करके उसमें आप क्या लगा लिए? वेरी लगा लिए, गॉट इट। उसके बाद मैंने बताया आपको, जब भी आपको क्या मिले, मच
अगर वी थ्री मिल जाए तो आपको क्या लगाना है, उससे पहले क्या लगाना है, मच लगाना है। अगर वी थ्री आपको अगर वेरी मच भी लगाना है, क्या लगाना है, वेरी मच भी लगाना है, तो भी आपको क्या लगाना है, वी थ्री लगाना है। कहने का मतलब यह है कि वेरी के साथ हमेशा बिफोर आएगा और मच के साथ वी थ्री आएगा, और वेरी मच के साथ भी आपको क्या यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। बाकी एक लुक और मैंने बताया था वर्ड के तौर पर, जैसे आई लाइक हिम वेरी मच, ओके, और एक सेंटेंस में क्या होता है, आई लाइक हिम मच, लेकिन इस मच का यूज आप नेगेटिव में भी कर सकते हैं, जैसे आई डोंट लाइक हिम मच, लेकिन आप इस सेंटेंस को ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, आई डोंट लाइक हिम वेरी मच, क्योंकि मच का दो यूजेस है, एक तो अफर्मेटिव में है और नेगेटिव में, और वेरी मच का सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज है, वो है अफर्मेटिव में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आई होप आप घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अननेसेसरी घर से बाहर ना जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।